Yeah, I know it's not as good as that of 164V, but yes, it is a lot more fun. TVS को चुप बैठने की आदत ही नहीं है बॉस. You know why? यहाँ पे आ चुकी है एक और अपग्रेड ऑन द 162V. What is that upgrade? That upgrade is a all new Bluetooth console with the ride modes on a motorcycle. Yes, ये जो retro motorcycle है TVS का, इसके ऊपर आ चुकी है modern touch. Yes guys, that is what you have on this motorcycle. So yes guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Nitish Neo. What's up? कैसे हो? कसक आए? And नमस्कार है हे गिदीरा. I am quite sure कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं. आज मेरे पास है the all new TVS Apache RTR 162V. आज हम करते हैं इसका एक walk around and ride review. अगर आप तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबा दो. इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो भी कर दो. यस गाइस, लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइक एंड एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटी को. हे गाइस, ये है टीवीएस का अपाचे 162V. काफ़ी मतलब एक मेरा लवली मेरा फेवरेट मोटरसाइकिल ये है, बिकॉज मेरे इंजीनियरिंग के टाइम पे ना इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बिकॉज वो टाइम पे काफ़ी नया नया लॉन्च हुआ था ये मोटरसाइकिल. ये बात करते हैं तो चलते टूवर्ड्स वॉक अराउंड, बट उससे पहले व्हाट्स द प्राइस. आपको मिलती है तीन डिफरेंट मॉडल्स में, मतलब डिस्क एंड ड्रम, डिस्क एंड डिस्क, एंड ये मिलती है एक स्पेशल एडिशन के तौर पे ये मिल जाती है. तो इसकी जो कॉस्टिंग है, इट स्टार्ट्स एट 1.18 लाख रुपीज़ एक शोरूम से लेकर जाती है 1.25 लाख रुपीज़ एक शोरूम तक जाती है. सो दैट्स द काइंड ऑफ प्राइसिंग दैट यू हैव. एंड ये बात करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं टू कंपेयर करते हैं इसको विद 164V के साथ, हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस के हिसाब से ना 164V एक अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंच चुकी है. तो ये कैसे परफॉर्म करती है वो आपको राइड व्यू में समझ में आ जाएगा, बट उससे पहले वॉक अराउंड में और भी चीज़ें बताऊंगा. यस गाइस, लेट्स गो टुवर्ड्स द फ्रंट. ऑन द फ्रंट आपको यहाँ पे मिलता है 17 इंच का, आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलते हैं, टीवीएस टायर की तरफ से आपको टायर मिल जाता है, 1990 सेक्शन का आपको टायर मिल जाता है यहाँ पे. इट्स नॉट अ रेडियल टायर ऑन द फ्रंट. सामने आपको मिलती है पेटल डिस्क, डिस्क इज ऑफ 270mm. कैलिपर्स के ऊपर कोई ब्रांडिंग का नाम तो नहीं है. सस्पेंशन यू हैव टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हियर, यहाँ पे कोई आपको फोक प्रोटेक्टर्स नहीं मिलता है. यू हैव सुपर मोटो ABS इसमें लिखा है. सुपर मोटो मतलब सिंगल चैनल ABS ऑन दिस मोटरसाइकिल, दैट्स द डिफरेंस, बिकॉज दैट्स द रीजन यू हैव सुपर मोटो ABS रिटन वर्क हियर ऑन द फ्रंट. बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज हेडलाइट जो है गाइस, दिस इज अ कंप्लीट LED सेटअप नाउ, पूरा LED हो चुका है. LED टेक लिखा है यहाँ पे, यू कैन सी इट हियर. TVS का यहाँ पे लोगो है. जो इंडिकेटर्स है, दीज आर बल्ब इंडिकेटर्स हियर, यू गेट दिस नाइस. एक सामने आपको एक वाइजर मिलती है, काफ़ी खूबसूरत सा वाइजर है. दिस मेक्स द मोटरसाइकिल लुक काफ़ी स्पोर्टी लगती है, काफ़ी वाइड लगती है. इनफैक्ट आई वुड हैव प्रिफर्ड अ 4V इंजन ऑन दिस मोटरसाइकिल, पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये मोटरसाइकिल. बट व्हाट्स डिफरेंट इज सस्पेंशन सेटअप, आपको बताता हूँ मैं, लेट्स गो टुवर्ड्स दैट. बट या देन यहाँ पे आपको मिल जाती है, यू हैव दिस बेली श्राउड हियर. गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट इज़ 180mm है. गाड़ी की जो सीट हाइट है दिस इज 790mm. अगर आप 4V में देखोगे ना, वहाँ पे 800 की है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइट है उसका. इसका जो व्हील बेस है इट इज़ 1300mm, मतलब काफ़ी कम व्हील बेस है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये जो बाइक है ना काफ़ी ज़्यादा अजाइल है. आप ट्रैफिक में जाते हो ऐसे ऐसे कट वट मारने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई लॉट ऑफ पीपल जो एंथुजियास्ट होते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, फॉर द सेम रीज़न, बिकॉज ऑफ इट्स एजिलिटी. एंड ये बात करते हैं हम लोग, चलते हैं टुवर्ड्स दिस साइड. यू हैव एन ओपन चैन सिस्टम, आप देख रहे हो यहाँ पे, काफ़ी पुराने ज़माने से इसमें ओपन चैन था, अभी भी ओपन चैन है. बॉक्सर स्विंगम है इसमें. यू हैव दिस रियली गुड अलॉय फुट पेग्स हियर. देन यहाँ पे आपको मिल जाती है ट्विन सस्पेंशन मिलती है विद नाइट्रॉक्स, मतलब दैट्स द डिफरेंस यू कैन सी हियर. वही आप 4V देखते हो तो वहाँ पे 4V में यू हैव मोनो सस्पेंशन, लेकिन यहाँ पे आपको मिलती है ट्विन सस्पेंशन जो एडजस्टेबल है. यू कैन सी इट हियर, जो प्रीलोड एडजस्टेबल यहाँ पे है. एंड यू हैव अ डिफरेंट ग्रैब रेल ऑल टुगेदर. एक आपको पल्सर की फीलिंग देती है ग्रैब रेल, लेकिन पुराने अपाचे की फीलिंग तो ऑब्वियसली देती है. दैट्स द रीजन यू हैव दिस काइंड ऑफ ग्रैब रेल, काफ़ी स्टर्डी है. यू डोंट हैव द बैटमैन ग्रैब रेल्स हियर, यू हैव दिस ओल्ड ग्रैब रेल्स व्हिच लुक रियली नाइस. टेल लाइट जो है गाड़ी का, दिस हियर इज एन एलईडी टेल लाइट हियर. इंडिकेटर्स जो है ये बल्ब इंडिकेटर्स है. पीछे की जो फेंडर आप देख रहे हो यहाँ पे, फेंडर जो है इट्स काइंड ऑफ ओपन. यहाँ पे छोटा फेंडर या बड़ा फेंडर या क्लोज फेंडर नहीं है, काइंड ऑफ ओपन, मेक्स इट मोर स्पोर्टी. देन रियर व्हील जो है, अगेन यू हैव इट फ्रॉम TVS टायर्स की तरफ से, आपको मिलती है 120/70 है. R17 नहीं है, दिस इज जस्ट 1758P इज द स्पीड एंड रोड रेटिंग ऑन दिस वन. TVS टायर्स का है, ट्यूबलेस टायर्स है, अलॉयज है. देन यू हैव अ 200mm डिस्क ऑन द रियर, सिंगल चैनल ABS है, पेटल डिस्क है. लेकिन द एग्जॉस्ट इज ब्यूटीफुल, यू हैव दिस ओल्ड एग्जॉस्ट विद द RTR सिंबल ऑन दिस एग्जॉस्ट. एंड ये बात करते हैं, चलते टुवर्ड्स द मेन पार्ट. दिस हियर इज अ 160cc 2V इंजन, एयर कूल्ड इंजन है, इसमें ऑयल कूलिंग नहीं है. आपको मिलती है एयर कूलिंग. एंड गाड़ी की जो पावर है 16.05 PS की पावर है. एंड 13.85 Nm की आपको टॉर्क मिल जाती है.
पावर एंड टॉप फिगर्स आर अ लॉट लेसर देन दैट ऑफ द 164V, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो सेगमेंट में काफ़ी इक्वल पावर एंड टॉप फिगर्स है इसमें, लेकिन वायर्स काफ़ी ज़्यादा विजिबल है इस बाइक में। यहाँ पे दिख रहे हो आप, दिख जाती है अच्छी खासी यहाँ पे वायर्स, एंड ऑल्सो गाड़ी में आपको गाड़ी की जो वेट है इट्स 137 kg, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 kg कम है और 164V, सो यू कैन सी द पावर टू वेट रेशियो बीइंग ऑलमोस्ट सिमिलर ऑन द मोटरसाइकिल विच इज़ रियली गुड। गाड़ी की जो टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर की आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे सीट्स आर ऑन द स्टिफर साइड, काफ़ी स्टिफ है, इट्स नॉट स्प्लिट सीट हियर लाइक 164V, यहाँ पे ऑलमोस्ट सिंगल सीट है विद थोड़ा ऊपर उठा हुआ सीट है। यहाँ पे द ग्रिप इज़ गुड, बट 164V में ना काफ़ी ज़रा प्रीमियम सा आपको फीलिंग आता है, जो यहाँ पे आपको इतना प्रीमियम सा फीलिंग नहीं आता है सीट में, वेराज यहाँ पे आपको मिलती कार्बन फाइबर की टेक्सचर आपको मिल जाती है, द 3D हॉर्स लोगो ऑफ TVS, देन यू हैव अपाचे रिटर्न हियर, काफ़ी सिमिलर स्टिकरिंग है 160 रिटर्न हियर नॉट 4V, एंड यहाँ पे RTR 160 का पुराना जो लोगो था एग्जैक्ट सेम अभी भी यहाँ पे है, अभी यू कैन सी मौजूद है। देन यहाँ पे आपको इंजन के स्विच आपको मिलती है, मोड बटन है, मोड मतलब पावर मोड आपको मिलती है, रेन अर्बन एंड स्पोर्ट्स मोड आपको मिल जाती है, एंड देन यहाँ पे आपको मिलती है हॉर्न सुनते गाड़ी का कैसे स्टार्टर है, एंड ऑन दिस साइड आपको मिलती है पास साइड हाई बीम लो बीम आई बटन मिलती है आपको, देन लेफ्ट राइट इंडिकेटर एंड हॉर्न सुनते गाड़ी का हॉर्न कैसा है, इट्स नॉट एज लाउड एज दैट ऑफ द 164V बट काफ़ी ज़्यादा तेज़ तो है बॉस ये, एंड फ्रंट कॉन्सोल जो है फुल स्वाइप होती है, सेम 164V का ही कॉन्सोल है, यू हैव ऑल दोज थिंग्स जो उसमें प्रेजेंट है, सो ब्लूटूथ कॉन्सोल तो है ही, साथ साथ में आप टैकोमीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, क्लॉक मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, देन यू हैव एवरेज स्पीड चेकअप कर सकते हो, साथ में गियर पोजीशन इंडिकेटर है, ओडोमीटर है, साइड स्टैंड है, ब्लूटूथ पेयरिंग है, देन वॉट यू हैव एवरेज स्पीड कितना की आपने वो आपको मिल जाएगा, टाइमर मोड मिल जाएगा आपको, हाई स्पीड मोड मिल जाएगा आपको, एंड 0-60 आप कितना की कितने टाइम में किया वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, साथ साथ में आपको क्या मिलता है, सो दैट इज़ व्हाट यू हैव हियर। आपको अर्बन मोड मिलती है, स्पोर्ट्स मोड मिलती है, रेन मोड मिलती है। अर्बन और रेन मोड में ना गाड़ी की जो टॉर्क एंड पावर है ऑलमोस्ट 3 PS एंड 1 Nm से कम हो जाती है, एंड मैक्सिमम पावर एंड टॉर्क जो है आपको स्पोर्ट मोड में ही मिलती है, सो दैट इज़ व्हाट यू हैव हियर। इन टर्म्स ऑफ मोड्स का भी हम सुनते हैं गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट कैसा है। सिस्कर्स, हियर वी हैव द अपाचे 162V। ये जो बाइक है फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर फीचर हो रहा है, बिकॉज प्रॉब्लम ये है ना कि बाइक का मतलब यू नो इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है इन दिस मार्केट, तो इस चक्कर में यहाँ पे ना पुणे में बहुत ज़्यादा 164V बिकती है, लेकिन जो एंथुजियास्ट है वो इसको एडवांस बुक करके इसको खरीदते हैं, दैट्स अ डिफरेंस, बिकॉज दिस इज़ अ क्वाइट एन एंथुजियास्टिक मोटरसाइकिल विच लॉट ऑफ पीपल लव। ये वो मोटरसाइकिल है जो मतलब हर कोई कंसिडर करता था इसको एक ज़माने में, दिस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल मैन, दिस वॉज सच अ यू नो कहर ऑफ दिस मोटरसाइकिल को कह सकता हूँ मैं। एंड ये बात करते हुए हम लोग बाइक को शुरू करते हैं, द की इज लाइक दिस, की जो है काफ़ी डिफरेंट है, मतलब इट्स नॉट द मॉडर्न की एनीमोर, इट्स अ लिटिल ओल्ड की, तो डिज़ाइन जो है अभी भी थोड़ा ओल्डर डिज़ाइन आपको दिखता है, बट TVS इज ब्यूटिफुली इंक्लूडेड दिस क्लासिक TVS मोटरसाइकिल विद द अपग्रेड, एंड अपग्रेड क्या है आप लोगों ने मेरे बैकग्राउंड में देखा होगा, तो अभी अपन शुरू करते हैं इस बाइक को, तो स्टैंड हटा दिया, वाओ या देर इज सम वाइब ऑन दिस मोटरसाइकिल, वाइब्रेशन है, बिट ऑफ बज इज देयर, बट लेट्स स्टार्ट द बाइक राइट अवे, लुक एट दिस मैन, दिस इज सो फ्रीकिंग क्रेजी। बाइक की जो सीटिंग पोजिशन है इट्स अल्टीमेट स्पोर्टी मैन, एंड एक्चुअली एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखा मैंने, अभी जस्ट मैंने 164V राइड किया, 4V के बाद 2V पर राइड कर रहा हूँ, तो 4V का जो सीटिंग पोजिशन है फुटपैक्स है वो अपराइट है, मतलब ऑपरेटिंग क्या बोलते इसको यार, वो ऊपर है और इसके थोड़े उससे नीचे है इसके फुटपैक्स, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड बाइक में ना आप इसमें ना प्रॉपर चिपक के बैठ रहे हो इसमें, एंड इनफैक्ट आपके जो हाथ है काफ़ी आपको एक साइड से एग्रेसिव से आपको स्टांस फीलिंग देती है, बिकॉज यू हैव क्लिप ऑन हैंडल बार्स ऑन दिस मोटरसाइकिल। एंड ये बात करते हम लोग चलते हैं थोड़ा, बस चलो निकल जाए यहाँ से, या द हॉर्न साउंड इज डिफरेंट हियर, वहाँ पे आई थिंक 4V हैड अ लाउडर हॉर्न, दिस वन हैज़ मोर ऑफ अ यू नो फ्रीक्वेंसी ओरिएंटेड हॉर्न, मुझे लग रहा है फ्रीक्वेंसी एज इन द फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा शरीरनेस की तरफ सेटअप किया है, इज़ व्हाट आई फील इन टर्म्स ऑफ द हॉर्न, ऐसे इसको सेटिंग किया है, एंड काफ़ी डिफरेंट है यार, द सीटिंग पोजिशन इज डिफरेंट, द सीट्स आर अ लिटिल हार्डर ऑन दिस मोटरसाइकिल, मेक्स इट अ मोर स्पोर्टी, और आपको एक फीलिंग देती है बाइक,
कंप्लीट स्पोर्टी मैन, दिस इज रियली रियली स्पोर्टी। तो सीटिंग पोजीशन जो आपको बन जाती है एक माइल्डली स्पोर्टी सा आपको बन जाता है, बट माइल्ड नॉट एज माइल्ड एज ऑफ 164V, बिकॉज 4V जो है इससे भी ज़्यादा माइल्ड है वो। इट्स मोर ऑफ अ ऑल राउंडर मोटरसाइकिल है, लेकिन ये ज़्यादा स्पोर्टी आपको फीलिंग दे रही है। दैट इज समथिंग रियली नाइस अबाउट दिस मोटरसाइकिल। एंड वाओ, द पिकअप इज अमेजिंग ऑन लो एंड, काफ़ी मज़ेदार पिकअप है इस बाइक का। अच्छा लग रहा है मुझे लो एंड टॉर्क इस बाइक का। अभी मैं हूँ 4th गियर में, अभी हम चलते 5th गियर में। यू कैन सी 5th गियर में भी मैं कम RPM पे बाइक चला रहा हूँ, तब भी कुछ घुटन सी महसूस नहीं हो रही है। द मिड रेंज इज वेरी गुड। आपको ना इस बाइक में बजस आना स्टार्ट होते हैं अराउंड 5000 आपके RPM के आसपास। अ बिट ऑफ अ बजस देयर ऑन द हैंडल बार, अ बिट ऑफ बजस देयर ऑन द फुट पैक्स। तो यस, यू हैव दीज बजस ऑन द हैंडल बार्स एंड फुट पैक्स। लेट मी चेक द फ्रंट ब्रेक्स ऑन दिस मोटरसाइकिल। ये बात करते करते द फ्रंट ब्रेक्स आर हियर। Yeah, the front brakes are a little progressive when compared to the Apache 164V. Compared to थोड़ा progressive मुझे लगते हैं। And the rear brakes जो है बाइक के, yes, they are also progressive. So सामने और पीछे के bikes के जो ब्रेक की जो bite है, दोनों kind of progressive ही है। But the thing about this motorcycle is जो progressive वो feedback आपको यहाँ पर मिल रहा है। 164V में bite better है, लेकिन फीडबैक उतना आपको नहीं मिल रहा है इन द हैंडल बार्स, ऐसा मुझे मतलब एडजस्ट इन द जीवर्स ऐसा मुझे लग रहा है। एंड ये बात करते हैं, हम चलते हैं आगे। द थ्रॉटल इज गुड, द थ्रॉटल आपको फीलिंग आती है, थोड़ा पुराना सा आपको फीलिंग आ रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द रिफाइनमेंट लेवल्स ऑफ द इंजन आपको यू गेट दैट बिट ऑफ एन ओल्ड वाइब आपको फीलिंग आती है, एंड एक क्लासिक की फीलिंग आपको देती है। लेकिन सामने की जो डिस्प्ले है, द डिस्प्ले इज अमेजिंग, स्पॉट ऑन है, विजिबल, काफ़ी क्लियरली विजिबल है। इंटरेस्टिंग थिंग है इसकी 164V में आपको पूरा नेकेड है, सामने कुछ भी फेयरिंग नहीं है, बट यहाँ पे आपको मिलती है फेयरिंग, एंड दैट समथिंग रियली नाइस। एंड एक अलग से आपको फीलिंग देती है इसको सामने से ऐसे देखते हुए, एंड काफ़ी बड़ी बाइक लगती है, काफ़ी वेल राउंडेड मोटरसाइकिल लगती है ये व्हेन यू कंपेयर इट विद 164V, बिकॉज द साइज इज बिगर, सर्टनली बिगर ऑन दिस मोटरसाइकिल ऐसे लगता है मुझे। एंड या ये बताते हैं, हम चलते हैं थोड़ा आगे यहाँ पे, एंड लेट मी चेक द टर्निंग रेडियस ऑफ द मोटरसाइकिल कैसी लगती है, बिकॉज 164V मैंने राइड किया है, तो उसके पीछे पीछे ये राइड करता हूँ, समझ में आ जाएगा मुझे कि कैसी है ये डिफरेंस। तो विदाउट टचिंग माई फीट ऑन द ग्राउंड, लेट मी टेक अ स्मॉल टर्न हियर। मुझे काफ़ी सिमिलर लग रहा है, ऐसे कुछ फर्क नहीं लग रहा है टर्निंग रेडियस में, इट्स वेरी मच सिमिलर, देर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, बिकॉज ऐसा लग रहा है ना कि आई थिंक द व्हील बेस इज काफ़ी सिमिलर है। हाउ इज द क्लच एंड द गियर ऑन द मोटरसाइकिल मुझे देखना है। क्लच इज लाइट, द गियर बॉक्स इज अ लिटिल हार्ड इज व्हाट आई फील। 164V हैज़ गॉट अ वेरी गुड गियर बॉक्स, इसमें आपको थोड़ा हार्डर गियर बॉक्स आपको मिलता है, लेकिन क्लच इसमें काफ़ी लाइट है। इनफैक्ट आई फाइंड इट लाइटर देन दैट ऑफ द 164V ऐसा लग रहा है मुझे। एंड इन टर्म्स ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू ऑन द मिरर्स आर अमेजिंग, काफ़ी क्लियरली विजिबल मुझे लग रहा है ये, एंड दैट इज समथिंग आई लाइक ऑन द मोटरसाइकिल, बिकॉज इवन 164V में मेरे मिरर्स जो थे काफ़ी बढ़िया था। एंड अभी मुझे देखना है कि क्या इस बाइक में आपको मिलती है GTT, दैट इज ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। काफ़ी पुरानी बाइक है, राइट, सेकेंड गियर में जा रहा हूँ मैं। Is the bike going ahead? Yes, the bike is going ahead without me doing anything. Third gear, does the bike go ahead? Is there a knock? No, there is no knock. However, मुझे लगता है कि थोड़ा इसका RPM increase हुआ है when I change the gears. Let me see. Fourth gear, does it go or? स्लाइट नॉक हुआ, लेकिन भाई गाड़ी निकल गई। नाइस, दिस वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड ऑन द मोटरसाइकिल, एंड सच अ ब्यूटिफुल मोटरसाइकिल मैन। आई लाइक दिस मोटरसाइकिल बिकॉज इसकी जो टर्निंग कैपेसिटी आप देख सकते हो यहाँ पे, कॉर्नरिंग जो कैपेबिलिटी है इसकी, काफ़ी मज़ेदार कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी है। आई नो इट्स नॉट एज गुड एज ऑफ 164V, बट यस इट इज़ अ लॉट मोर फन। उस ज़माने में 150 पल्सर जो था उससे काफ़ी बेहतरीन था ये मोटरसाइकिल, एंड आज के ज़माने में भी काफ़ी बेहतरीन मोटरसाइकिल है ये। अभी हम लोग ट्रैफिक में खड़े हैं, तो मैं सोचना चाहता हूँ कि यार क्या मिसिंग है इस बाइक में। बस मिसिंग कीजिए ना, क्या बताऊँ मैं, तब अगर मिसिंग ही सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, बिकॉज आज के ज़माने में 4V के मोटरसाइकिल से चलते हैं, अ लॉट मोर पावर इज़ नीडेड, अ लॉट मोर टॉर्क इज़ नीडेड, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको लगती तो है। बट गाइज, अगर क्लासिक मोटरसाइकिल में LED हेडलाइट दे दिया है आपको, LCD का कंट्रोल मिल चुका है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल चुका है, तो क्या चाहिए आपको, क्या मिसिंग कह सकता हूँ मैं। बट या यू गेट द सेम मोटरसाइकिल, अ लॉट मोर बेटर फिट एंड फिनिश है अभी, मतलब यू कैन सी द टैंक श्राउड्स जो है
काफ़ी बेटर है. द टैंक इज़ मेटालिक, काफ़ी बढ़िया सा टैंक लग रहा है मुझे. द प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड ऑन दिस मोटरसाइकिल. सो ये सब कुछ तो है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई देर इज़ अ लॉट ऑफ क्रेज़ अमॉन्ग्स द मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट फॉर दिस मोटरसाइकिल. इसका ये था मेरा छोटा सा वीडियो. ट्रैफिक छोटे से मैं वीडियो बंद कर दूंगा. लेट्स गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो फॉर द मुद्दे की. यू हैव सीन एवरीथिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल. आप लोगों को समझ में आ चुका है कि वॉक अराउंड में रिव्यू कैसा है आपको समझ में आ चुका है. अभी हम करते हैं मुद्दे की बात, जहाँ पे हम कंपेयर करना चाहते हैं इस मोटरसाइकिल को विद अदर मोटरसाइकिल इन इट्स सेगमेंट. इस सेगमेंट में कंपैरिजन आप कर सकते हो विद अनदर टू वी मोटरसाइकिल, दैट इज N160. हीरो का आपको मिल जाती है 160R, एक्सट्रीम 160R आपको मिल जाती है. तो ऐसे दो तीन मोटरसाइकिल्स हैं 164V के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो. लेकिन 4V जो है टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस हो चुका है. बट अगेन 4V, 162V, N160, एक्सट्रीम 160R बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मतलब सिचुएशन हो चुकी है. बट हियर अगेन दिस मोटरसाइकिल सिट्स एग्जैक्टली राइट आउटसाइड दैट सेगमेंट. यू नो व्हाई? बिकॉज एक क्लासिक मोटरसाइकिल है जो एंथुजियास्ट इसको पसंद करते हैं. रिफाइनमेंट जब उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है जितने कि जितना रिफाइनमेंट बाकी के मोटरसाइकिल्स है. बट पावर की एक राइडिंग फीलिंग की, एक राइडिंग एग्रोनॉमिक्स की जो फीलिंग है इस बाइक में आपको मिलती है जो किसी और बाइक में आपको नहीं मिलती है. दैट इज़ द रीज़न वाई दिस क्लासिक लुकिंग मोटरसाइकिल विद द मॉडर्न टचेस हैज़ बीन रीलॉन्च्ड बाई TVS. रीलॉन्च मतलब क्या है? टच करके जगा दिया, फिर से लॉन्च कर दिया. बस उसके अलावा और कुछ नहीं है. अगर आप इस बाइक के फ़ैन हो, आई एम श्योर आप इसी को खरीदोगे, किसी और चीज़ को नहीं खरीदोगे. बट इज़ दिस वैल्यू फॉर मनी? आई वुड सर्टनली से यस, इट्स वैल्यू फॉर मनी. बिकॉज जो प्राइस के आपको फीचर्स मिल रहे हैं, जो पावर मिल रही है, वो एक्चुअली ऑलमोस्ट एट पार विथ अदर 150cc मोटरसाइकिल्स या ऑलमोस्ट एट पार विथ 160cc मोटरसाइकिल्स का है. लेकिन इसका जो माइलेज है थोड़ा बेटर है, इसका जो राइडिंग एगोनॉमिक्स है वो काफ़ी बेहतरीन है ओवर दैट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स. सो इसका ये था मेरा छोटा सा वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो. इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दो. थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो. एज यूजुअल आई एंड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम.